सैन्य कमांडरों की बैठक में एक तरफ चीन तनाव कम करने और पीछे हटने पर सहमति व्यक्त करता रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना LAC के निकट अपने निर्माण कार्य को तेज करती रही है। लेकिन उपग्रह की तस्वीरों ने उसकी पोल खोल दी है। इन तस्वीरों से यह बात भी साफ होती है कि 6 जून को बनी सहमति के बाद भी वह LAC पर निर्माण करता रहा है। सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा हाल में जारी तस्वीरों से यह भी स्पष्ट होता है कि चीन द्वारा गलवान घाटी के निकट उस क्षेत्र में लगातार निर्माण किए जा रहे हैं जिस पर भारत का दावा है। यह निर्माण 22 मई के बाद तेजी से किए गए। इस बीच 6 जून को दोनों देशों के बीच पूर्व की स्थिति में लौटने पर सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद गलवान घाटी में चीन का निर्माण जारी रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार तड़के एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना ने अभी आतंकवादियों की पहचान उजागर नहीं की है। अनंतनाग के कुलचोर इलाके में जारी एनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि अभी यह मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ समय में घाटी में सुरक्षा बलों के निशाने पर हिजबुल समेत कई आतंकी समूह हैं। तकरीबन रोजाना अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर के जरिए आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले शुक्रवार को पुलवामा जिले में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरुवार रात को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के त्राल के चीवा उलार इलाके में घेराबंदी एवं तलाश अभियान शुरू किया था। दिल्ली NCR में भले ही पिछले दिनों ही मानसून ने दस्तक दी हो, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से अभी भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को तापमान 40 डिग्री पार कर गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में हल्की बारिश और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। सफदरजंग वैद्यशाला ने रविवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। आर्द्रता का स्तर 46% से 85% के बीच रहा। पालम, नजफगढ़, आयनगर और पूसा स्थित मौसम केंद्रों ने अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया। भारत मौसम विभाग ने 27 जून को सामान्य तिथि से 2 दिन पहले गुरुवार को मानसून आने की घोषणा की थी। हालांकि एक निजी मौसम पूर्वानुमान सेवा स्काईमेट वेदर के महेश प्रभात ने कहा कि दिल्ली में बारिश फिलहाल कम होगी और कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है और इसे पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचने में 45 दिन का समय लगता है, जो कि देश में इसका आखिरी स्थान है। 2013 में मानसून 16 जून को पूरे देश में पहुंच गया था। उसी समय उत्तराखंड में भीषण बाढ़ भी आई थी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,889 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि इस दौरान 3,306 कोरोना मरीज ठीक भी हो गए हैं। दिल्ली में रविवार को उभरने वाले मरीजों को मिलाकर अभी तक 52,607 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। राजधानी में कोरोना से पीड़ित 60% से अधिक लोग अब तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 65 नई मौत दर्ज होने के बाद अभी तक 2,623 मरीज कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 2,889 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 83,000 को पार कर गई है। दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 2,889 नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या अब 83,077 हो गई है। इनमें से 52,607 लोग इलाज के बाद पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। वहीं 27,847 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी है कि रूसी अधिकारी गोपनीय तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान को अमेरिकी सैनिकों की हत्या करने पर इनाम देने की पेशकश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को खबर प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी शांति वार्ता के बीच रूसी सैन्य खुफिया इकाई गुप्त रूप से तालिबान से जुड़े आतंकवादियों को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों सहित गठबंधन सेनाओं को निशाना बनाने पर इनाम देने की पेशकश कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।